Thank you राजस्थान की सतरंगी इंद्रधनुषी संस्कृति के पालक एवं परिचायक सभा में उपस्थित रूहानी प्यारे भाइयों और बहनों पिछले दो दिनों से राजस्थान की संस्कृति और उसके योगदान के विषय में हम सुन रहे हैं गौरवशाली अतीत जो आज भी राजस्थान के समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीकात्मक तीज और त्यौहार कहा जाता है राजस्थान में सात वार और नौ त्यौहार उमंग और उल्लास के प्रतीक मेले जिसमें सांप्रदायिक एकता सामुदायिक वैभव इत्यादि दिखाई देते हैं और साथ ही साथ विश्वास और ईश्वर के प्रति आस्था के प्रतीक विभिन्न देवालय मस्जिद एवं उपासना के केंद्र आज भी इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं न केवल ये परंतु यदि और थोड़ा संस्कृति जो कि हम सबके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है नृत्य के द्वारा तो वृत्ताकार में किए जाने वाले नृत्य घूमर गेंदड़ और गैर ही सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं जहां व्यक्ति स्वयं में भी है परंतु साथ साथ सबके साथ मिलकर उनमें से भी एक है यदि हम राजस्थान के भूगोल की ओर देखें और प्रायः ऐसा पाया गया है कि भूगोल का प्रकृति का वनस्पति का प्रभाव वहां की संस्कृति के ऊपर पड़ता है राजस्थान रेगिस्तान मरुस्थल माना गया है जहाँ भोजन और पानी जुटाने के लिए कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं उसके अतिरिक्त जहां इस प्रकार के परिश्रम है स्वतः जनमानस के अंदर समरसता से चलने के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं संगठन में रहने के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं ताकि दुख और दर्द के समय एक दो का सहयोग दे सके तीसरी बात जहां पानी की इतनी कमी शिप ऑफ द डेजर्ट ऊंट माना गया और ऊंट आप जानते अपने अंदर पानी रख करके इकोनॉमिकली उसका उपयोग करता है न केवल ये परंतु जनसं जनसाधारण के अंदर भी इकोनोमाइजिंग के संस्कार हम पाते हैं इसी प्रकार से अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो यूनेस्को ने भरतपुर को वर्ल्ड मैप पर लाया है क्यों आप सब जानते हैं वर्ल्ड की बर्ड सेंचुरी है जहां पर साइबेरियन बर्ड्स और अन्य बर्ड्स आकर के निवास करती हैं कारण वातावरण में सद्भाव और समरसता जो कि पशु पक्षी और सामान्य जनता जीवन में अनुभव करती और उसे शेयर कर रही है इन संस्कारों के सहित राजस्थान निवासी जब अन्य प्रांतों में गए तो भी अगर यूं कहूं तो उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया जो जिससे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने मतलब के लिए रोटी को कभी पूजा नहीं हमने और जो उनके अंदर प्रेम सम्मान टॉलरेंस ह्यूमिलिटी निर्भयता आदि आदि गुण थे वैल्यूज थी क्योंकि समरसता सामान्य रीति नहीं आ सकती जब तक उनके पीछे कुछ मूल्य न हो कुछ वैल्यूज न हो और ये वैल्यूज लेकर जब राजस्थान के भाई और बहने अन्य प्रांतों में गए उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई अन्य प्रांतों के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में नहीं आई न वहां की जनता ने और ना इन्होंने स्वयं इस तरीके की मानसिक कठिनाई का अनुभव किया ये एक कारण है कि क्यों आज राजस्थान के भाई बहने न केवल भारत के प्रांतों में परंतु विदेशों में भी अपनी कार्य व्यवहार को दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं अब आती है बात वर्तमान की ओर महिमा गौरवशाली है उसके लिए हम सब मुबारक के पात्र हैं लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर खिंचाना चाहूंगी जहां आज ये महसूस होना आरंभ हो गया है कुछ करने की जरूरत है आज 16 मई इंटरनेशनल फैमिली डे है सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है क्यों क्योंकि फैमिली सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है मुझे याद है जब मैं यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल कर रही थी स्पेशली मेडिटेरियन कंट्रीज इटली और स्पेन वहां की महिलाएं एक प्रश्न पूछती थीं, आप ये बताएं कि आपके देश में फैमिली एक सूत्र होकर के कैसे रहती है और हमारे सामने उस समय राजस्थान का चित्र आता था राजस्थान में जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है जॉइंट फैमिली सिस्टम है जॉइंट बिजनेस के वेंचर्स हैं, परंतु खेद की बात है क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम भी टूटता जा रहा है और उसके साथ साथ बिग इंडस्ट्रियल हाउस इज इट इज no नो सीक्रेट आप सब जानते हैं कि क्या उनकी दशा है उसके पीछे कारण क्या राजस्थानी आहार शुद्धि वाले हुआ करते थे और आहार शुद्धि के कारण उनके विचार शुद्ध होते थे विचार शुद्ध होने के कारण उनका व्यवहार शुद्ध होता था गौर करिए कहीं ये नुक्ता हमारा कमजोर तो नहीं पड़ रहा इसी रीति से जो हमारे फैमिली में वैल्यूज थी कहीं आज वो शनय शनय टूटती तो नहीं जा रही लगेगा टूट रही हैं हम दश अवतार की बात करते थे आज डिश अवतार है और डिश अवतार के कारण वेस्टर्न इंफ्लुएंस के कारण फैमिली ब्रेक शनय शनै हो रही हैं और क्या ये हम सबका परम कर्तव्य नहीं कि पुनः हम इसे जोड़ सके एक बात जो हमारे यूथ के मन में आती है जो यहां पर मैं युवा भाई बहनें देखती हूं उनके मन में एक संकल्प उठता है कि क्या ये सब अच्छी बातें हमें ही धारण करनी है इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान अपनी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की उस ओर ले जाना चाहूंगी जो सदा हमें प्रेरणा देता है रामायण को यदि आपने गौरपूर्वक पढ़ा होगा उस समय जब श्री राम रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने लगते हैं उस समय वे हनुमान को भेजते हैं कि जाओ रावण को ले आओ क्योंकि उस क्षेत्र में केवल वही एक ब्राह्मण है जो कि आचार्य हेतु आ सकता है रावण के पास जब संदेश जाता है रावण वापस आ, आने से इनकार कर देता है श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं तुम जाओ लक्ष्मण जी के मन में एक प्रश्न सूचक विभा दिखाई देती है उनके नैनों के द्वारा और श्री राम समझ जाते हैं वे पूछते हनुमान से हनुमान तुमने क्या जाकर के कहा था हनुमान जी कहते हैं मैंने ये कहा था ए रावण तुम्हें महाराज राम बुला रहे हैं श्री राम ने कहा मैं समझ गया उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा तुम जाओ और यूं कहो हे आचार्य कुलभूषण लंकेश आचार्य हेतु वनवासी राम आपको निमंत्रण दे रहे हैं जी लक्ष्मण ने जाकर यूं कहा रावण ने कुछ क्षण नहीं लिए और वह आ गया आकर के सब काम संपन्न किए सीता जी को भी लाया संपन्न होने के पश्चात श्री राम ने कहा दक्षिणा मांगिए अट्टहास से और व्यंग से रावण ने कहा अरे राम छोड़ो तुम क्या मुझे दक्षिणा दोगे और व्यंग किया जिसकी स्त्री अपने पास नहीं जिसका राज अपने पास नहीं वो दक्षिणा क्या देगा फिर भी राम ने कहा नहीं बोलो रावण ने एक बात मांगी वरदान के रूप में कि हे राम अगर देना है तो मुझे ये दो कि मैं कभी तुम्हारे सदाचार के वशीभूत न हो जाऊं याद रखिए दुराचारी कदापि तोप और बंदूक से नहीं डरता दुराचारी कदापि दुराचार से नहीं डरता दुराचारी डरता है तो सदाचार से तो बताइए जब हमारे पास ऐसे मिसाल हैं, प्रतिदिन जीवन के उदाहरण हैं, हम क्यों इस बात से भयभीत हो जाते हैं यदि हम अपने जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों को निर्मलता को निर्भयता को सदाचार को सदव्यवहार को समरसता को सद्भाव को शुभ भावना शुभकामना को हम छोड़ देंगे तो हम नकारे जाएंगे कदापि नहीं आज राजस्थान को एक चुनौती है राजस्थानियों ने सदा चुनौती को स्वीकार किया है और वो चुनौती ये है परमपिता परमात्मा आज आपका आवाहन कर रहे हैं मीरा ने साक्षात्कार किया था स्वरक का लेकिन राजस्थान को न केवल अकेले परंतु सारे विश्व को उस स्वरक को साकार रूप में परिवर्तन करने के लिए आज परमात्मा आपका आवाहन कर रहे हैं बोली आपको ये चुनौती स्वीकार है आवाज आ रही है चैलेंज एक बहुत बड़ा है और इस संदर्भ में मैं आपसे यू रिक्वेस्ट करूंगी चैरिटी बिगिंस एट होम यदि दान करना है पुण्य करना है अपने परिवार से करिए परिवार के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि हमारा परिवार हमारा जीवन किन वैल्यूज के लिए है दूसरी बात जो वैल्यूज हमें अपने पूर्वजों से उपलब्ध हुई क्या हम उन्हें बना के रख रहे हैं तीसरा सवाल इन वैल्यूज को आगे पास ऑन करने के लिए समाज में और अधिक देने के लिए राजस्थान संस्कृति की एक विशेषता यह भी रही है उन्होंने समाज से थोड़ा लिया है दिया अधिक है गिविंग नेचर रही है देने की प्रवृत्ति रही है हम समाज को क्या देकर के जा रहे हैं यदि इस ओर ध्यान दें और अपने साथ साथ गुणों की ओर क्योंकि समरसता जिस से वाद्य यंत्र में सभी यंत्रों का जब तक बैलेंस रूप से समावेश नहीं होता यदि एक यंत्र अधिक काम करे कानों को प्रिय नहीं लगेगा इसी प्रकार से आपके पास जो वैल्यूज हैं समरसता को बनाने के लिए उन्हें और बढ़ाएं साथ साथ अन्य वैल्यूज में भी बैलेंस रखें मुझे विश्वास कि परमात्मा पिता उदयपुर राजा ने इस परम पिता परमात्मा ने इस रथ को अपनाने से पूर्व जो ये कार्य करते थे व्यापार करते थे वो था हीरे और जवाहरों का व्यापार राजस्थान आतिथ्य में कभी पीछे नहीं रहता उदयपुर के राजा ने जब बाबा उस दरबार में गए अपने दरबार को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया जो वो कदापि नहीं करते थे क्योंकि परिवार को आने में थोड़ी सी देर लग रही थी वो आतिथ्य उस समय भी एक उपलब्ध हुआ क्या भक्ति में हम गाते थे परमात्मा आप धरा पर आएंगे हम क्या नहीं कर देंगे आज परमात्मा जबकि चहु और मूल्यों का डिवैल्युएशन है अवमूल्यन है धर्म कर्म व्यवहार व्यापार राजनीति जो धर्म ग्लानी के चिन्ह हैं, सब चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं आप बताइए कोई ऐसा चिन्ह है जो महाभारत वर्णित आज नैनो से हम ना देखते हो सर्व चिन्ह है क्या ये वो समय नहीं जब परमात्मा को आकर के पुनः अपने दिए हुए वचन के अनुसार यदा यदा धर्म से ग्लानी भवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान हम अपने उस वचन को निभाना चाहिए ये वही समय पुनरावृत्त हो रहा है और आज हम सबका ये परम कर्तव्य है कि गोवर्धन पर्वत अकेला हथेली पर भी उठाया जा सकता था परमात्मा के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है लेकिन वो तब उठा जब हर एक ने अपनी अपनी उंगली दी इस सभा ग्रह से जाने से पूर्व अपने आप से पूछिएगा कि इस कलयुगी पहाड़ को उठाकर सत्युगी सृष्टि बनाने के निमित्त मैं कौन से अपने सहयोग की उंगली दे रहा हूं अथवा दे रही हूं मैं समझती हूँ तब आपका आना इस सम्मेलन में सफल होगा और तब हम भी समझेंगे ये सफल सम्मेलन सम्पन्न हुआ इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं सत्तर प्रतिशत ऐसी अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाए तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए किसी भी आयु धर्म संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं विविध प्रशिक्षण जैसे स्व प्रशासन एवं नेतृत्व तनाव मुक्त जीवन सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं अधिक जानकारी है तो हमारी वेबसाइट बी के डब्ल्यू एस यू डॉट कॉम आरोप जाए अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र ऐसी से संपर्क करें